स्कॉलर हैं अतुल, राजस्थान से हमारे साथ। स्वागत है अतुल आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्ते नमस्कार। सर। जी आदाब अतुल भाई, बताइए क्या सेवा। सर क्या है, हमारे जो फादर हैं उनके 79 एज है और उनके क्या हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उसने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया था हमने, तो उसने जो वो कर होते हैं वो इको करते हैं उसके अंदर दिखाया था, तो वो 79 एज के हुए, वो बोल रहे हैं इनका हार्ट का वो वॉल चेंज करवाइए। ठीक है बेटा, एक तो बहुत अच्छा किया आपने फ़ोन कर लिया, क्योंकि जो एज है ना उसमें कुछ भी कर नहीं सकते। आप औलाद हैं, माँ बाप के लिए तड़प रहे हैं, तो मैं आपकी तड़प समझ सकता हूँ, लेकिन एक नुस्खा आप उन्हें अगर ख़ुद बना के दें या अपनी पत्नी से या अपनी मम्मी से बनवा के दें, बहुत ही आसान है। नींबू का जूस 1 लीटर, अदरक का जूस 1 लीटर, ये दुनिया का मशहूर नुस्खा है और ये अरबी नुस्खा कहलाता है। अरबी नुस्खा यानी नींबू का जूस 1 लीटर, अदरक का जूस 1 लीटर, लहसुन का जूस 1 लीटर और जैतून का सिरका विनेगर, जैतून का सिरका 1 लीटर, इन सबको मिलाकर रखें और 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच शाम को खाने के बाद पिताजी को दिया करें, और आप देखेंगे कि ये 4-5 महीने चलता है ये कमोबेश, और इसको ख़त्म होते होते आपकी पिताजी की तबीयत अच्छा होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है कसक पाल, दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी हाँ जी। जी बताइए। जी मैं जब मैं नहाकर आती हूँ ना तो मेरे चेहरे पर खुजली लगती है और दाने भी हो रहे हैं मेरे चेहरे पर। ठीक है। दाने भी हो रहे हैं। जी। बेटा उम्र बताए। उम्र 15 साल। देखिए वैसे इस उम्र में जिस्म में जोश बहुत होता है और कुछ बच्चे बच्चियों को उसके एवज़ में दाने निकलते हैं, खुजली होती है, और इसका इलाज भी है। हालांकि जब तक आप इलाज करते हैं जब तक बहुत निशानात चेहरे पर आ जाते हैं, तो आप एक काम करें, गौन मोरिंगा लें। गौन मोरिंगा असली लेना, नकली बहुत मिलता है। 0.5 ग्राम रोज़ाना दूध में मिलाकर, पानी में मिलाकर पी लिया करें, आपका चेहरा इतना खिला खिला और दाने और खुजली ये सब आप भूल जाएंगे मुद्दतों के लिए। 100-200 ग्राम खरीदें, इस्तेमाल करें, इससे और भी बहुत फ़ायदे हैं। आपके बाल बहुत लंबे और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो आप ये ले लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं हरियाणा से हमारे साथ श्याम लाल जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आदाब। नमस्कार जी। जी आदाब श्यामलाल जी, बताइए क्या सेवा है। सेवा अरदास है, रिक्वेस्ट है। जी सवाल कीजिए। मैं हरियाणा से बोल रहा जी, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हमारे पास एक बेटा था 19 ईयर ओल्ड। हाँ जी। 19 साल का एक बेटा था हमारे पास, वो एक्सपायर हो गया था, तो मिसिज की एज है 45-46 और मेरी 50 के आसपास है जी। हाँ जी। तो ट्राई कर रहे जी इसके लिए, और आगे नहीं बढ़ रहे मिसिज के। अच्छा देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है और दोनों लोग लेना, आप भी और आपकी पत्नी भी, और वो नुस्खा ये है कि अश्वगंधा आप जानते होंगे, वरना किसी से पूछ लेना। अश्वगंधा असगंध नागौरी कहते हैं, वैसे लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, और रॉ मटेरियल लेना है, 100-200 ग्राम खरीद लें अश्वगंधा, और जितना अश्वगंधा खरीदें इतना ही गौन मोरिंगा खरीद लें। ये दोनों चीज़ें 200-200 ग्राम लेके और पाउडर घर पे बनाना, दोनों रॉ मटेरियल लेना। कोई भी कितना भी कहे कि पिसावा ले लो गोलियां मिल जाएंगी ये वो, कुछ मत करना अब, क्योंकि इस मामले में आपकी पत्नी बहुत सीरियस होंगी और बच्चे के लिए मर्दों से ज़्यादा औरतें बहुत परेशान रहती हैं। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ,
आपके बयान से मेरे को बड़ा एहसास हो रहा है। तो इसके दोनों को 200-200 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और ये ऐसे दो चुटकी सुबह यानी आधा ग्राम या शाम को एक ही टाइम खाना आपको भी और आपकी धर्मपत्नी को भी, और आप देखेंगे कि ये 200-400 ग्राम जो मटेरियल आपने ख़रीदा ये ख़त्म होने से पहले आपको उम्मीद हो जाएगी और बहुत खुशखबरी आप फ़ोन करके मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हकीम साहब, अगर बात करें हम बालों को लेके, हम देखते हैं कि व्यक्ति की खूबसूरती सबसे ज़्यादा उसके बालों से ही होती है। व्यक्ति चाहता है उसके बहुत सुंदर बाल हों, बहुत घने बाल हों, लेकिन अब खान पीन हम लोगों का ऐसा हो चुका है कि हमारे बाल इतने झड़ते हैं, गुच्छे के गुच्छे हमारे हाथ में आ जाते हैं, हम कितनी भी ऑयलिंग कर लें या फिर हम लोग कहीं ना कहीं से गंजेपन का शिकार हो जाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है, व्यक्ति परेशान ही हो जाता है क्योंकि उसकी सुंदरता का जो एक हिस्सा है वो कहीं ना कहीं कम होता जाता है। तो क्या हम अपने बालों को बचा सकते हैं घरेलू नुस्खे अपना के? हाँ, देखिए भगवान का शुक्र है मेरे बाल तो हैं जी, और मेरे बाल इतने हैं कि लोग ये समझने लगे शुरू में तो कि मैं विग लगाता हूँ जी, लेकिन ओरिजिनल बाल हैं बिल्कुल। और देखिए जिस चीज़ का आप ख्याल रखने लगे, आप अपने बालों का, अपनी सेहत का, अपने पेरेंट्स का, अपनी बीवी का, अपनी जिसका भी आप ख्याल रखने लगे वो चीज़ अच्छी होने लगती है। अपने मकान का ख्याल रखें तो मकान मरम्मत हो जाता है। तो आप तवज्जो दें खाली और जो कमी है जिस्म में उसको पूरा कर दें। थायराइड अगर है तो उसका टेस्ट करा लें जिनके बाल गिरने लगे हैं, टाइफाइड है तो उसका टेस्ट करा लें, टाइफाइड में भी बाल गिरते हैं, थायराइड में भी बाल गिरते हैं। और बाल जिस चीज़ से बनते हैं वो चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे हर चीज़ की एक ग़िज़ा है, बालों की भी एक ग़िज़ा है, आँखों की भी एक ग़िज़ा है, और हड्डियों की भी, सबकी अलग अलग भोजन है, समझिए ग़िज़ा मतलब भोजन। वो भोजन पूरा कर दीजिए आपके बाल इतने के संभाले नहीं जाएंगे। आज तक लोग मेरे बालों से, मेरे दोस्त, मेरे जो कलीग, वो सब गंजे हो गए, उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा जी। और मैं जाता हूँ जब उन लोगों में तो वो रश करते हैं मेरे बालों को देख के, गए तेरे बाल क्यों अभी तक हैं। देखिए ऊपर वाले की कृपा भी होती है, ऊपर वाले ने सबको सेहतमंद भेजा है, अब हमारी जिम्मेदारी कि हमें इतनी सेहत अच्छी देकर भेजा है और सुंदर बना के भेजा है तो हम उसकी खूबसूरती का ख्याल रखें। चंडीगढ़ से हमारे साथ संदेश, स्वागत है आपका। हाँ, मेरी ना दो प्रॉब्लम है। एक तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने 5-6 महीने से ना मेरे को गले में बहुत ज्यादा खांसी थी, तो मैंने 3-4 ENT वालों को दिखाया तो कोई दवाई का इफेक्ट नहीं हो रहा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आपको एसिड बनता है और आपके गले में ना छाले पड़ गए, तो वो छाला की वजह से आपको खांसी आती है। तो इन सब से पूछना है कि कोई घरेलू ऐसा नुस्खा बताओ, एसिड भी ठीक हो जाए और मेरे छाले भी ठीक हो जाए। और एक दूसरी प्रॉब्लम और है, मेरा बेटा है बॉम्बे में रहता है, वो हमारे फैमिली में है बचपन से ना, उनको जैसे सीजन शुरू होता है तो गला खराब हो जाता है। आपके से उसका बेटा, उसका भी सेम पोजीशन है, तो कोई ऐसे ही बताओ जैसे कि उसका गला वगैरह जो है उसका भी और उसके बेटे का फर्क ना पड़े। मैं चंडीगढ़ हूँ और वो बॉम्बे में। आप भी 5 बार गर्म पानी पिए रोज़ाना, और ऐसा गर्म जैसे चाय पीते हैं, तो बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। और मैं एक नुस्खा बताता हूँ, वो अभी बता रहा था मैं। आप देखिए सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, मेथी, थोड़ा सा बदला है मैंने, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, मेथी 200-200 ग्राम लें, रॉ मटेरियल लें। और एक आता है नमक कलौंजी का, कलौंजी जो किचन में रहती है इसका एस्टेक होता है, वो बहुत असरदार होता है। ये नमक कहते हैं लेकिन नमकीन नहीं होता, इसमें 150-150 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और आप भी खाएं और आपके बच्चे को भी भेज दें बना के, और ये ख़त्म होने तक आप दोनों के रोग ख़त्म होना मुमकिन है।
नुस्खे अपना लीजिएगा जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं। दर्शकों, जब आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। एक एक बात का ख्याल आप तभी रख पाएंगे जब आपको याद होंगी चीज़ें, जब आप लोग लिख सकेंगे तो लिख लीजिए एक एक बात। बाकी हेल्पलाइन नंबर लगातार दिखाए जा रहे हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दर्शकों, कभी भी 24 आवर्स हकीम साहब से बात कर सकते हैं। क्योंकि फिर आप लोग जब शिकायत करते हैं तो फिर ये जो कीमती वक्त होता है ना दर्शकों, ये कीमती वक्त निकल जाता है, फिर आपकी बात नहीं हो पाती है। आप सीधा आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कोई भी रोग संबंधी अपना प्रश्न कर सकते हैं, कीमती नुस्खे आप लोग जान सकते हैं जो घर बैठे बैठे आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था हकीम साहब, संक्रमण और महामारी को लेके, तो एक चीज़ यहाँ पे सुनने को आई थी कि जिनको पहले से ही बीमारियाँ हैं वो अपना ख्याल ज़्यादा रखें, क्योंकि उनको ये महामारी या संक्रमण बहुत जल्दी अपना असर दिखा सकती है, उनको पकड़ सकती है। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? हाँ देखिए, ये बात सही है आपने सुनी जी। और जिसको जो रोग है, देखिए डायबिटिक आदमी को इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, और मेरी तरह जो बूढ़े लोग हैं उनको ज़्यादा होगा जी। जिसको जिसको जो रोग है उसका और ज़्यादा ख्याल रखें, और जो लंग्स के यानी फेफड़ों के जिनको रोग हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में है। किडनी के जो रोग हैं, रोगी हैं, उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। और देखिए, इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यूनिटी एक ऐसी ताकत है जो किसी देश के फौज जैसे होती है, ऐसे इम्यूनिटी हमारे जिस्म के अंदर, हमारी जिस्म की हिफाजत के लिए फौज है। अब ये जो हम बैठे हैं यहाँ पर स्टूडियो में, तो कीटाणु ही कीटाणु हवा में उड़ रहे हैं। हमारे हाथों पर अगर हम वो देखें ना उससे खुरबीन से, तो ऐसा लगा डर जाएंगे, इतने कीटाणु होते हैं। हमारे अंदर एक फौज है जो इनको ख़त्म करती है, अगर ये अंदर दाखिल हो जाए तो वो फौरन ख़त्म कर देती है इनको। इसको इम्यूनिटी कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको बढ़ा लीजिए। इसके लिए बहुत सारी दवाएँ हैं, मैं भी अक्सर बताता हूँ। रईसों के लिए शिलाजीत आधा ग्राम असली होनी चाहिए, नकली बहुत मिलती है, उससे ज़्यादा, उससे इतने रईस नहीं है, आम आदमी है मेरे जैसे, तो माजून आर केयर सुबह शाम एक एक चम्मच गर्म पानी से, ठंडा पानी छोड़ दे जब तक ये महामारी चली ना जाए। ये इम्यूनिटी की स्ट्रॉन्ग दवाएं हैं। एक कलौंजी प्राश है, अखरोट प्राश है, ये दवाएं आप लें जब तक महामारी ना जाए, अपनों को और ख़ुद को भी इससे हिफाजत के दायरे में लाएं। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। डिंपल राय हैं आजमगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ मैम नमस्ते जी। नमस्कार। मेरी मम्मी की कमर में बहुत दर्द रहता है। बच्चा, एक दवा जो इतनी मशहूर है वो एक रॉ मटेरियल है, उसको कहते हैं गौंसिया। मैंने ये बात पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा दी, मिलती मुश्किल से है, नकली भी मिल जाती है, असली हासिल करें। आधा आधा ग्राम मम्मी को खिलाएं और आप देखेंगे कि ये 100 ग्राम भी आपने अगर ख़रीद लिया, असली लेना, बस कड़वा होता है बहुत, और बहुत बुरा सा रंग होता है, बुरा जायका होता है, लेकिन ये दवा, ये रॉ मटेरियल ऐसा है कि आपकी मम्मी की पूरी जोड़ों की, कमर की, नसों की, हड्डियों की सारी रिपेयर करता है, और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले पहले आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं आकाश दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आकाश जी आपका। हेलो। हाँ जी बताइए, सवाल कीजिए। मैं जी से बात हो रही क्या? हाँ जी जी, आदाब बताइए। आदाब आदाब बताइए। मेरी मम्मी की प्रॉब्लम थी, किस चीज़ की? सर्वाइकल। सर्वाइकल का बगैर दवा के भी इलाज है, और दवा भी कभी लेनी पड़ सकती है, और सबसे बड़ा इलाज है सर्वाइकल का फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी ये आप करते रहे पूरे दिन, वैसे 2-4 मिनट तो ज़रूर होनी चाहिए, और एक ऐसे 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 पूरा मोड़ दीजिए और यहाँ तक लाइए, यहाँ तक देखिए, ये सर्वाइकल का बेहतरीन इलाज है। और वज़न उठाने से परहेज़ करें, बगैर दवा के भी उनका ठीक होना मुमकिन है, और ज़रूरत पड़े तो आप दवा भी ले सकते हैं, लेकिन ये
दो दो चार चार मिनट एक्सरसाइज एक दिन में होना ज़रूरी है।